हेलो एवरीवन, मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल फिर से एक बार आपका स्वागत करता है। जैसे कि हमारी जो वीडियो चल रही है क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 के जो फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट जो है हमने पार्ट तक की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। देखिए दो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। इसका आंसर है सबसे पहले सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल पहले तो आप बताइए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स कहलाता है। और रियल नंबर्स में जो होते हैं सारे जीरोज इंटीजर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव और इंटीजर एंड और फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है 1/2 1/3 1/4 एंड इरेशनल वैल्यू √2 √3 √5 √7 ये सारी जो वैल्यू है रियल नंबर्स में आती है। रियल नंबर्स जो होते हैं इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। और इस एक रियल नंबर्स होते हैं और अनरियल। अनरियल नंबर्स वो होते हैं जिनके रूट में माइनस होता है। सपोज माइनस फोर है तो इसका रूट नहीं निकल पाएगा, यही अनरियल नंबर कहलाते हैं। अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। और ये जो नंबर्स होते हैं अनरियल कहलाते हैं माइनस फोर जो है, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर रूट जो है नहीं निकल पाता है। ये इमेजनरी नंबर में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो रूट में हो चाहे वो इंटीजर्स हो, सारे नंबर्स ही आते हैं। तो सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स का एक सेट आपको रियल नंबर्स का दे रखा और जो पर्टिकुलर कंडीशन आपको दे रखी है आर इज इक्वल टू ये दे रखी है ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर। तो जो ए है वो बी स्क्वायर से लेस है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या हमारे हो सकते हैं। देखिए इसमें आपके आ सकते हैं रिलेशन में 0.0। अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही होगी। ये ए की वैल्यू 0 होगी तो दोनों यहां पर इक्वल हो सकता है। आप रख सकते हैं 1.1। अगर हम ये ए हुआ ये बी हुआ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो 1 के इक्वल होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। 2.2 भी इसमें हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर आपका जो होता है 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहां पर 3.3 भी ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही है। ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए एंड सो ऑन। इसके अलावा और इसमें कौन सी आप ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। देखिए 1/2 एंड 1/3 देखते हैं इसमें अगर ये आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट पहले इसको चेक करते हैं कि ये हमारी इस वैल्यूज को वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा। सबसे पहले देखते हैं 0.0, 1.1 एंड 2.2, 3.3 बिलोंग्स टू आर। आप यहां पर देखिए कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं, एक्स डोमेन और रेंज सेम होते हैं, एक्स एंड वाई सेम होते हैं, तो ये सारे इसमें प्रेजेंट है। बट यहाँ पर यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यू को देखें, ये जो होता है रिलेशन, जो पर्टिकुलर कंडीशन दी रहती है, जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दी, जो भी आपको सेट दे रखा हो, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए यहाँ पर जो है वेरीफाई होना चाहिए, लागू होना चाहिए। यानी कि कुछ नंबर्स के लिए हो कुछ के लिए ना हो तो ये नहीं होगा। जैसे 1/2 के लिए चेक करते हैं, सपोज 1/2 हम रखते हैं तो 1/2 एंड 1/2 के लिए आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 लेस इक्वल 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 आपका क्या है, दिस इज लेस, ये लेस है, ये ग्रेटर है। तो यहां पर कंडीशन इसके साथ मैच
नहीं कर रही है, 1/4 इज लेस देन 1/2, क्यों इसलिए, तो यहाँ पर आएगा 1/2, 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये यहाँ पर इनके लिए तो मैच कर रहा, सेम एलिमेंट है, बट यदि फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, यदि फ्रैक्शन जो है उस वैल्यू को यदि हम चेक कर रहे हैं तो उसमें ये मैच नहीं, ये कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है, इसलिए इसलिए सिमेट्रिक नहीं, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड देखिए, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में लेते हैं इफ यहां पर 2.4 तो होगा ही, 2.4 बिलोंग्स टू आर, जो सिमेट्रिक की आपकी कंडीशन है ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये होता है a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, a बिलोंग्स टू आर, यदि a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। चलो 2 और 4 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 तो आपके क्या है रियल नंबर ही है। चलो 2.4 को पहले चेक करते हैं, ये आपको a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर 16, यस ये तो यहाँ पर सही है, 16 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर देखते हैं क्या 4.2 मैच कर रहा नहीं कर रहा, 4.2 को देखते हैं इसके रिवर्स, तो 4.2 को यदि हम रखेंगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इज यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यदि 4.2 में तो मैच कर जा रहा है, तो यहाँ पर 2.6 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 2 इज 9 यहाँ पर ग्रेटर है 2 से, इसमें तो मैच कर रहा। अब आप यहाँ पर देखिए 3.2 देखते हैं, 3.2 में यदि चेक करें तो 3 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका फर्स्ट 2, 3 का स्क्वायर है, सेकंड में आपका ए और बी है, तो ए में आपका आएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4। इसमें भी चलिए मैच कर जा रहा है, इसमें थर्ड दूसरी अलग कंडीशन देखते हैं कि क्या किसी कंडीशन में ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसमें देखते हैं हम 2.6 लेते हैं, सपोज दैट 2.6 इज बिलोंग्स टू आर, तो 2.6 इज बिलोंग्स टू आर करते हैं, तो यहां पर आएगा 2 इज ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर, चलिए इसमें तो 36 इज ग्रेटर देन 2, चलिए इसमें तो सही है। अब देखिए 6.2 को देखते हैं, अगर 6.2 देखें तो 6 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर 4, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, क्या 4 6 से ग्रेटर होता है, नहीं होता है, 4 6 से ग्रेटर कभी नहीं होता है, तो 6.2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, खाली क्योंकि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स मतलब जितने होते हैं कि सारे आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, वो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन आप ऐसे ढूंढ लेंगे कि जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इट इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0 पर कंडीशन अप्लाई हो रही थी, बट फ्रैक्शन जो नंबर थी फ्रैक्शन हमारी 1/2, 1/3, 1/4 पर वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी, जबकि जो हमारी कंडीशन है वो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, तभी यहाँ पर उसको रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक हम कह पाएंगे। थर्ड यहां पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मुझे सो दैट द रिलेशंस द सेट आर ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज इतना इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, क्वेश्चन को देखिए इसमें लिखा है, तो ऐसी कंडीशन इसमें आपको ढूंढनी है जो उसको सेटिस्फाई ना करे। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी देखते हैं 3.2 बिलोंग्स टू आर, जो हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की कंडीशन इस प्रकार से होती है a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर देन a, c बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 3.2 बिलोंग्स टू आर, सेकंड हम लिख सकते हैं 2.3/2,
बिलोंग्स टू आर, तो इसमें 3,3/2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। पहले 3 और 2 को चेक करते हैं, 3,2, तो 3,2 आप एक कंडीशन में अप्लाई करिए, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, 3 आपका आ जाएगा 3, ये 4, चलिए इसको दिए तो सही है, 3,2 इज बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं 2,3/2, 2,3/2 2 और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 इज 9/4, 9/4 मतलब हो जाएगा 2.25। चलो इसमें भी ये अप्लाई हो रहा है क्योंकि 2.25 इज ग्रेटर देन 2। एंड थर्ड को चेक करते हैं, 3,3/2, स्पेस थोड़ी सी कम है, 3,3/2, 3,3/2 को चेक करें तो ये भी इस कंडीशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं ए की जगह 3 और बी की जगह रख के देखते हैं 3, और बी की जगह यदि हम 3/2 का स्क्वायर करें 9/4, 2.25, क्या 2.25 3 से ग्रेटर होता है, नहीं होता है, तो थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कोमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से आपको ऐसी वैल्यूज इसमें ढूंढनी है जो कि इसको सेटिस्फाई ना करे, कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी और कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो जब शुरू में ही जैसे लिखा है सो डेट हमें दिखाना है, तो इसमें से ऐसी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। आफ्टर डेट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये आर एक रिलेशन है जो कि एक सेट है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर है लेस देन 7, एज इसका जो रिलेशन बना है हमारा आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहां पर वैल्यू रखिए, इसके रिलेशन बनाते हैं क्या क्या रिलेशन इसमें बन जाएंगे। यदि ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1+1 2, ये तो हो जाएगा 1,2, और ए की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3, और ए की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3,4, और ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5, एंड ए की वैल्यू आप 6 रखेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये आपके रिलेशन इससे बन रहे हैं, ये ए की वैल्यू आप एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, जो भी आपको पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है उससे आप बी की वैल्यू जो निकलेगी ये आपका रिलेशन बन जाएगा। अब फर्स्ट इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है 1,1, 2,2 एंड 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है रिलेशन में, सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। सेकेंड यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये हो गया है। सेकेंड चलिए देखिए, इफ 1,2 बिलोंग्स टू आर तो क्या होना चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है बट आपको 2,1 दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा, या यहीं पर देखते 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 नहीं है, 3,4 है बट 4,3 नहीं है, 4,5 है 5,4 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है, अगर a, b बिलोंग्स टू r है
देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। ए और बी यदि रिलेशन में है तो बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए, बट यहाँ पर ए कॉमा बी तो है बट बी कॉमा ए नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्री। नाउ थर्ड चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है इस प्रकार से होती है, एक बार फिर देख लीजिए। ट्रांजिटिव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, बट ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं है। कोई भी चेक करते हैं, चलो वन टू ही देख लेते हैं। वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, फिर इसको ले लीजिए। 2.3 belongs to R, क्या 1.3 belongs to R है? No. 1.2 belongs to R, 2.3 belongs to R, 1.3 is not belongs to R. So it is not transitive. तो न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। थोड़ी इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको ये आपका जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है काफी ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।